नमस्कार, मैं मंची राजपूत और आप देख रहे हैं 9/24/7 न्यूज़। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के गांव लिंगपालेम से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। इस गांव में सैकड़ों आवारा कुत्तों को जहर देके मौत के घाट उतार दिया गया है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने पुलिस में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक्टिविस्ट ने पंचायत को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पंचायत ने ही सारे कुत्तों को जहर का इंजेक्शन देके मौत के घाट उतारा है। जब वो इस गांव में आई तब उन्होंने देखा कि 300 से ज़्यादा कुत्तों को दफनाया जा रहा है। तब वो पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। तब वो पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने केस दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने मामले की जाँच शुरू कर दी। ये काफ़ी ही दिल दहला देने वाला मामला है। जानवर जो कि कभी कुछ बोल भी नहीं सकते, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार करना सही नहीं है। तो हमारी आपसे यही अपील है कि किसी भी जानवर को ना तो तंग करें ना ही मारें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि जानवर भी भगवान के द्वारा बनाया गया एक रूप है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक और मामला बहुत पहले सामने आया था, जब केरल में एक गर्भवती हथनी को अनानास से पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया। उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ उस बात का, काफ़ी शोक जताया गया, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ शोक का। इस तरीके के मामले अभी भी आ रहे हैं। तो आप सबसे यही अपील है कि जानवरों का सम्मान करें, उनके साथ प्यार से रहें, क्योंकि मनुष्य की ही जिम्मेदारी है जानवरों को सुरक्षित रखने की। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल 9/24/7 न्यूज़।